नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्विसेज न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैतूल पारदी परिवारों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन ने प्रारंभ की कवायद। कल गुरुवार को बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने अधिकारियों के साथ सोना घाटी में पहुंचकर मूलभूत सुविधाओं की ली जानकारी। कलेक्टर ने बताया, पारदी परिवारों के लिए पक्के मकान और बिजली की सुविधा को लेकर जल्द तैयार होगा एस्टीमेट। बीते लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे पारदी। पिछले दिनों पारदी परिवारों ने पुनर्वास करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन। बैतूल ऑनलाइन पेमेंट का मैसेज बताकर सराफा व्यापारी से 1,78,000 रुपए की 3 अंगूठियों की गई ठगी। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी ठग की जा रही है तलाश। गंज स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स पर कल बुधवार की दोपहर को घटित हुई घटना। बैतूल पुलिस अधीक्षक सुशील सिमाला प्रसाद के द्वारा कल बैतूल बाजार थाने का किया गया निरीक्षण। सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों, महिला अपराधों, गुमशुदा बालक बालिकाओं और पास्को एक्ट के प्रकरणों में जल्द से जल्द निकाल करने के दिए गए निर्देश। बैतूल आबकारी पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में चिचोली क्षेत्र से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मेडिकल के लिए लाया गया जिला चिकित्सालय। अवैध रूप से शराब बेचने का है आरोप। बैतूल अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने के मामले में हमलापुर से 2 महिलाओं को पकड़कर लाया गया गंज थाने। दोनों महिलाओं पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज। दोनों के पास से 6-6 लीटर अवैध रूप से कच्ची शराब की गई जब्त। दोनों महिलाएं मरामझिरी निवासी। बैतूल गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आया अनोखा मामला। बहू ने सास के साथ की मारपीट। सास पहुंची थाने, अपनी बहू के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। इस संबंध में कल सास का कराया गया मेडिकल। मुल्ताई नगरी क्षेत्र के बैतूल रोड पर लक्ष्मी स्मृति भवन के पास कल देर रात को बाइक और कार के बीच हुई भिड़ंत। घटना में कोई हताहत नहीं, वाहनों को हुआ नुकसान। बैतूल की तरफ से आ रही थी कार, बाइक को मारी भीषण टक्कर। मुल्ताई खेड़ी देवनाला में मकान का छत डालने गए मजदूर की काम करने के दौरान हुई मौत। मुल्ताई विधानसभा के प्रभात पट्टन विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेड़ी देवनाला में बुधवार को मधु जगदेव के मकान पर छत डालने गए डौआ निवासी एक मजदूर की हो गई मौत। डॉक्टरों ने मृतक पप्पू पुत्र मिट्टू झारखंडे उम्र 45 वर्ष का किया पोस्टमार्टम। शव सौंपा परिजनों को। मुल्ताई परमंडल के रेलवे गेट के पास सांप निकलने से मचा हड़कंप। रेलवे गेट पर तैनात रेलवे के कर्मचारी ने इसकी सूचना दी वरिष्ठ अधिकारियों को, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा। सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। ताप्ती अर्जुन मीडिया को दी जानकारी। बताया, पकड़ा गया सांप था रसल वाइपर, भारत का दूसरे नंबर का सबसे जहरीला सांप। मुल्ताई माँ ताप्ती सरोवर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार एवं माँ ताप्ती के अन्य भक्तों ने 151 लीटर दूध से माँ ताप्ती का किया अभिषेक। बड़ी संख्या में माँ ताप्ती के श्रद्धालु रहे उपस्थित।
आमला नगरी क्षेत्र स्थित बिजली कार्यालय पर कल किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को सुलझाने की करी मांग। इस संबंध में एई विलास उइके को सौंपा ज्ञापन। घोड़ाडोंगरी खारेगांव में जन अभियान परिषद हुआ सक्रिय। कल जल संरक्षण के लिए बोरी बंधान का किया गया कार्य। जन अभियान परिषद के अनिल उइके ने दी पूरी जानकारी। घोड़ाडोंगरी रानीपुर हाईस्कूल का कल बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर बारीकी से दिए दिशा निर्देश। बैतूल कलेक्टर ने करीब 20 मिनट तक विद्यार्थियों को पढ़ाया पाठ। घोड़ाडोंगरी सलाईढाना गांव के पास बाइक सहित सड़क किनारे एक गड्ढे में गिरा बाइक सवार युवक। युवक अखिलेश उइके निवासी कानावाड़ी हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, फिलहाल जारी है उपचार। घोड़ाडोंगरी पुलिस ने बाइक चोरी के मामले को लेकर दुल्हारा गांव से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक के पास से बाइक का पहिया किया गया बरामद। थाना प्रभारी नेपाल सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। बताया आरोपी रवि आहाकी को किया गया गिरफ्तार। भैंसदेही पूर्णा नदी के पास लगा मेला। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ ने कहा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है पर्याप्त व्यवस्था, सफल हो रहा है मेले का आयोजन। भैंसदेही देवलवाड़ा में चल रहे पूर्णामई मेले में पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है मुस्तैद। लोगों की सुरक्षा को लेकर सभी पुलिसकर्मी कर रहे हैं ड्यूटी। भैंसदेही बैतूल एसपी सुशील हिमाला प्रसाद के मार्गदर्शन में तहसील नगर के झल्लार में चल रहे जुए के अड्डे पर बैतूल से आई पुलिस की टीम ने मारा छापा। पुलिस ने 9 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। करीब 41,000 रुपए की राशि करी जब्त। क्षेत्र में जुए और सट्टे को लेकर लगातार मिल रही थी शिकायत। शिकायत के बाद एसपी ने की कार्रवाई। बैतूल से टीम बनाकर एम्बुलेंस का सहारा लेकर की गई कार्यवाही। चिचोली पुलिस थाना परिसर में महिला डेस्क कार्यालय बीते 3 माह से है बंद। महिलाओं को रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर हो रही है परेशानी। आठनेर ग्राम राबड़िया में पशुओं में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम हेतु ग्रामीणों द्वारा की जा रही है अनोखी पूजा अर्चना। सार्वजनिक रूप से की गई है ग्रामीणों ने गांव की बाड़ेबंदी। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।